जींद गांव के जींद का गांव है खोपड़ी, और जैसा कि सभी हरियाणा वासियों को पता है कि इस समय जो जींद चुनाव होने जा रहा है, पूरे हरियाणा वासियों की जो नज़र है वो जींद के ऊपर टिकी हुई है। बड़े से बड़ा नेता यहाँ जींद में, मंत्री कहें या समंत्री कहें, जींद की गलियों में एक एक वोट के लिए यहाँ मिलेगा। तो आज जींद के गाँव जो खोपड़ी है, इसमें सर्वे करने के लिए संचार क्रांति की टीम पहुँची है। जानती है जनता की क्या राय निकल चुकी है। किसकी वोट गिरोगे? पंडित विनोदाश्री जी। चलो बढ़िया जी, उसकी क्या गिरोगे? क्या बात है, हमारी पार्टी का राजकुमार गांधी छैनी गांधी मिस करके बढ़िया था। आज ताऊ जी ठीक हो? आप किस फिक्र हो गए? कांग्रेस की, कांग्रेस में क्या बात है? अच्छा चलो बढ़िया है, अलग अलग पार्टी के सारे इकट्ठे देखो, यो हो भाईचारा इकट्ठे बैठ को काफी बना ही नहीं पाते। क्या हाल है किसकी? ताऊ जी ताऊ ने बड़ा ताऊ ने बड़ा ठीक है ठीक है ओके तेरी वोट सुन, तेरी वोट माहौल चलेगी प्रमोद सहवाग। प्रमोद सहवाग फिर कह दे भाई बढ़िया चल भाई, किसका माहौल लग रहा है गाँव में? कांग्रेस, कांग्रेस के की खास बात लग रही है कांग्रेस में? परिवार परिवार ही जुड़ गया? नहीं नहीं, कैंडिडेट को दिया भाई नहीं जाने दे भाई, साइड का भाई क्या हाल है? कितनी वोट है जीत हो जाएगी? भाई कम से 15-20 हज़ार। वाह भाई साहब वाह, देखिए भाई ताऊ राम राम जीतने का ठीक से किसकी गिरा का वोट? विनोदास जी गिरा का जीत 15 से पहले तो हम हाँ जी राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। क्या माहौल चल रहा है गांव खोखरी में चुनाव को लेकर के? चुनाव का जेजेपी का जोर है, जेजेपी का। कितनी वोट आज खोखरी में? सोच ही रहे हैं कि 1000-1100 वोट आ जाएंगे जेजेपी। आ जाएंगे? हाँ। तो कितना टाइम से जुड़े हो आप जेजेपी पार्टी से? जेजेपी पार्टी से अभी जुड़े हैं मैं, अभी पहले लोक दल में थे। अच्छा, लोक दल में इसमें आ गए? हाँ। तो उम्मीद उसमें वह क्या था छोटे इसमें क्या था आगे? जिसमें मतलब दादा ने पोते के रूप में जन्म लिया। अच्छा, देवीलाल का रूप देखता हूँ इसमें, दुष्यंत में। हाँ। इस वजह से यही प्यार है मैंने उससे, और इसी वजह से आया हूँ। तो माहौल अच्छा बने रहा था? माहौल बहुत फर्स्ट क्लास बना। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ताऊ जी। हाँ जी राजेश जी। जी राजेश जी, राम राम। राम राम जी। किसकी के माहौल बने रहा गाँव खोखरी जी? इसका दिग्विजय का बने रहा, जेजेपी का। दिग्विजय का, जेजेपी का पूरा नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी। ये दलाल साहब बड़े समझदार आदमी। दलाल साहब जी, कम शब्दों में और कम समय में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया, जनता का इतना प्यार है, भगवान है जनता। जनता ने जो दुष्यंत को प्यार दिया, दिग्विजय को दिया, ये भगवान में जनता से, जनता के ऋणी हाँ भगवान। इतना प्यार तो आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं मिला, जो दूसरे देवलाल दुष्यंत चौटाला जी को, अजय सिंह को, नैना जी को, दिग्विजय सिंह को। सबसे बड़ा प्यार जनता का, खोखरी गाँव का, 36 बिरादरी का है। दादा दादी का इतना लाड प्यार दुलार, ये कैसे मिला दिग्विजय दुष्यंत को? ये तो उनकी बुद्धि है, उन्होंने जो बुद्धि से काम किया हम उसको भी प्रणाम करते हो। तो उनका उनकी बुद्धि थी, उनकी सोच थी, लेकिन इनके दादा दादी सारा गांव खोखरी है, सारा जिला जींद है, तारे विधानसभा, ये इनके असली हरियाणा प्रदेश असली ओरिजिनल दादा दादी तो ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी। दुष्यंत की गिरेगा? हाँ जी पक्का पक्का।
इसी के खास बात अलग है जेजेपी पार्टी में। नए बच्चे हैं, नई सोच है, सभी पार्टियों को मौका देके देख लिया। एक बार ये हमारे युवा साथी हैं दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, एक बार इनको भी मौका देके देखे। बिल्कुल, फिर देखते हैं आगे क्या रणनीति होती है इनकी, क्या करते हैं। चलो बढ़िया भाई साहब। हाँ जी अमन जी, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या मतलब आप तो काफी टाइम से जुड़ रहे हो, पूरी आपके ड्यूटी भी लगी है जेजेपी की तरफ से, तो क्या आंकड़ा निकाल लोगे आपके गांव का, आपके गांव में आए यहां से? तो देखिए हमारे गांव में ज्यादातर माहौल जेजेपी का है। हमारे जहां पे लगता है कि हम 1000+ वोट जेजेपी के लेके जाएंगे, जो वोटर हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो उनका भी रुझान जेजेपी की तरफ लगता है, जो ओपन नहीं होना चाहते लेकिन उनका रुझान जेजेपी की तरफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया अमन जी। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। यहीं से आप भी? मैं बुल्ला खेड़ी से हूँ, यहाँ पर खोखरी गांव में मेरे मम्मी हैं, नन्ने हैं, नानी। अच्छा, मतलब रिश्तेदार है कि वोट गिरवाने आए हो? मैं तो उधर वोट मंगने, छत्ती बरादरी में मेरे मम्मी नन्ने हैं इस गांव में, और इतना प्यार है छत्ती बरादरी में, माँ जोड़ कर छत्ती बरादरी पे वोट मांगू हूँ। छत्ती बरादरी नु कहे जी तो बन जा गया, हम छत्ती बरादरी के वोट जेजेपी के देवेंगे। ये गांव वाले तो कहे 1011 से वोट आवेंगी, मैं इस गांव में नुकू हूँ, जितनी वोट भी हैं छत्ती बरादरी सारी की सारी देवेगी, और मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ मेरे मामे नाना पे, या सरकार छत्ती बरादरी लावेगी, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है जेजेपी ने। चलो बढ़िया जी, बिल्कुल। देखिए रिश्तेदारी में से भी आए हुए हैं और वोट मांगने के लिए। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं संदीप खोखरी जी, इस गांव में दुष्यंत के फैन है, जेजेपी के। बिल्कुल, मैंने कल समर्थन कराया। पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले मैं न्यूट्रल था। अच्छा, मतलब आप सही है, निर्दलीय कल निर्दलीय तौर पे थे। हाँ, निर्दलीय तो कल समर्थन कल क्यों, मतलब इतना लेट क्यों किया आपने? इसको करना था तो या दूसरी पार्टी को करना था? रुझान देख रहा था। अच्छा, हाँ, तो इस पार्टी का रुझान दिखा आपने? हाँ, रुझान देखा। हाँ, कत्ती वार्डो मांडा, छत्ती गाँव मांडा में। अच्छा, सबके यहाँ रुझान देख के मैंने समर्थन कर दिया कल भाई साहब को। चलो बढ़िया, क्या खासियत लगी? खासियत युवा बालक, नई सोच है, और सब कन्वर है भाई दुष्यंत बनेगा। चलो बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कांग्रेस का करेगा, जींद का करेगा, जींद का ही करेगा। कांग्रेस ने इसलिए भेजा यहाँ अभी जींद का विकास करे, जींद एक पिछड़े हुए इलाके है, उसको देखते हुए लगे हैं आपने, मतलब जींद का कर पाएगा? हाँ बिल्कुल करेगा, कैथल का किया, नरवाना का किया था, बिल्कुल। आप कैथल में जाके देख लो, हर एक गाँव, हर एक शहर। इस गाँव में कितनी क्या माहौल बना हुआ? माहौल यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन है। कितनी वोट आ जाएगी अंदाजा? यहाँ 700+। 3000 वोट। क्या हाल है? कांग्रेस का टैग लगा रहा है, कांग्रेस ही रहेगा भाई? कितने टाइम से जीता कांग्रेस ने? 2 सालों से। कितने वोट, कितने 50 साल लगा जब से वोट बना है? अच्छा, चलो बढ़िया। कांग्रेस की जगह आजी ताऊ जी राम राम। ठीक से इसकी वोट गिरोगे? अच्छा, इसकी उम्मीद रेट होगी क्या दिन की? अर्थ पार्टी ने बांधी थी तारी पेंशन तो और देवीलाल ने बांधी थी वो अच्छा। चलो बढ़िया। हाँ जी ताऊ जी राम राम। ठीक है, इसका माहौल बन गया गाँव में, एक दुख है, बात तो चलती होगी, बात तो चल रही है। बनवा ले ना, बनवा ले ना, दुष्यंत की बता, दुष्यंत की बता। चलो बढ़िया, कितनी के वोट आ गई दुष्यंत किस गाँव में? 100। मतलब माहौल बन रहा है। हाँ जी, क्या अब भाई उठ ले गया तो मुझे को रहा है एंग दुख है। चलो हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया।
विकास का नाम पर कोई ईमानदार बालक विकास का नाम पर युवा बालक अगर बीजेपी का साथ फिर छोड़ा है तो मैं उसने युवा निकालता हूँ तो फिर एक मतलब दबाव में वोट गिरा एक्स्ट्रा दबाव बीजेपी वाले अगर हमारे गांव में दूसरे जी का वर्कर है उनकी तीन मत लेकिन 5 रुपये से लगा लेना गाँव में दूसरे कांग्रेस के वर्करा की बस पर के एक भाई का कांग्रेस का प्रोग्राम उसमें ले रहा है जो हमारे इनकी दबाव बोलना पसंद नहीं करता लेकिन दिल में तो बीजेपी जो इन छोड़ कर जो ये बागड़ बिल्ले हमारे बीजेपी बीजेपी था 8,868 आपका भाई पूरा आगे बता दिया 8,888 88 इतनी पावनी तो भाई ना मेरे ठीक है आप कहो थे नहीं मतलब इस भाई मोटा दाता चल गया भाई ना करो इसके बोल तो दो बागड़ बदले तीन बीजेपी कांग्रेस एक आदमी तो कांग्रेस खड़ा और एक यू बीजेपी वाला गोगल मास्टर जी को भाई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं लोग और उसी की ज्यादा मतलब प्रचार है हर तरफ बीजेपी को ही जिताना और गोगल मास्टर को जिताना भाई पहली बात तो है बीजेपी तो बाद में मास्टर जी है भाई ठीक है एक भाई अपना कृष्ण है जो ब्लॉक समिति का मेंबर है ये कृष्ण भाई अपना ब्लॉक समिति का मेंबर है ये भी गोगल मास्टर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है वोट लगाओ हां जी क्या हाल है बढ़िया जी गोगल भाई गोगल एक के चीज है भाई हां जी ताऊ जी राम 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 ठीक है ठीक ठाक इसकी वोट गिरेगा वोट तो जो देश के हित में काम करे उसकी देने में जो देश का हित करे देश की भलाई मेरे देश को उन्नति की तरफ ले चले ऐसी कौन सी पार्टी है जो देश जो उन्नति की तरफ और देश के विकास के बारे में सोच रही है फिलहाल तो एक ही प्रधानमंत्री जो अपने देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं बिल्कुल तो बीजेपी के गिरोगे यहाँ अब यहाँ पर हाँ ऐसी तमन्ना है मेरी हाँ
भाई मैं चाहूँ तो ऐसा प्रधानमंत्री बने, ऐसा यहाँ का विधायक बने जो हमारे देश की अच्छे नौजवानों की रोजगार दे सके, उन्नति के रास्ते खोल सके, गांव की साफ सफाई का ध्यान रखे, हमारे बुजुर्गों का भी ध्यान रखे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य कि सफाई जो देश के विकास के बारे में सोचे। ये जो पानी का निकासी, कैमरा मैन को कहूंगा कि एक बार गांव खोखरी में एक बार पानी की निकासी नहीं है तो देखिए किस तरह से यदि बारिश आ जाती है तो ओवरफ्लो होकर के ये जो पानी है ये सड़क पे आ सकता है। और उस तरफ फिर एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह से गायों की हर एक सरकार हर एक बात की बात करती है। गाँव का जो ये देखिए गाय भी किस प्रकार से यहाँ बैठी है और ये डब्ल्यू डी की भी ताऊ जी शिकायत कर रहे हैं कि देखिए रोड के ऊपर सफाई नहीं है, किस तरह से पूरा करके फैला हुआ है। अंदर भी अच्छी पढ़ाई नहीं है ना, कोई प्रशासन दे रहा है ना गाँव का आदमी सरपंच दे रहा है, तो इसमें बच्चों की उनकी थोड़ी रुकी हुई है। अच्छी पढ़ाई तो अच्छे विकास होगा, अच्छा बच्चों की सोच, स्कूल की तरफ भी ध्यान देना सरकार को बहुत ही जरूरी है। किसकी वोट गिरोगे? मेरा भाई। कौन सा तेरा भाई? अच्छा, कट्टर। कौन से काम किए तू? बलियानी की। अच्छा, कट्टर भी वहीं का। खट्टर मारा ताऊ है या मारे बेबे है? अच्छा, खट्टर तेरा ताऊ है? हमारा ताऊ है। चलो बढ़िया, नहीं दुआ के मैं भी इससे काम में कट्टर की दूंगा। अच्छा, इससे काम में? चलो बढ़िया, ठीक है ना। आज करा देंगे आप करा प्राण लग रहे आज से भी इतना काम करा दिया, आगे क्या कराऊंगे। अच्छा, आपका जमा का काम लेवांगे इससे सब क्या उम्मीद रखा इससे फिर उम्मीद रे डूबी उम्मीद है नहीं है उम्मीद रे डूबो नहीं है भाई साहब। कम तक मुझे आ रहा था खट्टर नकंद इन कसम मिटन नहीं आ रहा, कम तक कम थी 1200 वोट देगा भेजा, ठीक है ना। हम तो पुराने हैं, सर्वे से देवीलाल के टाइम के हैं, हम गले भी देव वो ये पार्टी नारी हो गया, नए थोड़े हैं, युवा बालक हैं, काम करेंगे बढ़िया। इन लोगों के पास कुछ नहीं, वो अभय सिंह है वो अपने वो करता ज्यादा गर्म दिलवाने का, ये बच्चे हैं इनके साथ इसलिए लगे हैं, युवा बालक है, मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी देवीलाल की नीति है इस पर सारी, और ये बढ़िया कार्य करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, सारे काम बढ़िया करेगा। तो बड़े इस भाई ना देखो ये भाई तू ठीक रहे तो ठीक है किस भाई दुष्यंत की। चलो बड़े भाई क्या खास बात है, मैं कहना सुन सर ये कुछ भी है कुछ विकास हो जाएगा जिंदगी का सर, दुष्यंत की गेरोगे तो हम जिंदगी का विकास के बारे में सोचोगे? हम विकास सारा विकास करेंगे जिंदगी का पक्का। देख लिए? देख लिया, जब बढ़िया बात सुनना कराते हो तो आवांगे राजीव ठीक मेरे को तू चली हो मैं उरे हूं परसा के तारा दुष्यंत आसमान का तारा शिव कुमार ठीक है। किसकी वोट गिरोगे? दुष्यंत की। इनका कहते तो गिर जाऊंगे गिरो पहले पहले दुष्यंत गिर। चलो ठीक है।